हेलो एवरीवन वन हंड्रेड डेज चैलेंज की सेवनटी एट वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है देखो धीरे धीरे करके हम कितना कुछ सीख गए हैं ना सेवेंटी एट सेवेंटी नाइन एटी तक हम आ जाएंगे धीरे धीरे करके और हमारी सिर्फ हंड्रेड डेज चैलेंज कंप्लीट होने में कुछ ही वीडियोज़ बाकी बची हैं और धीरे धीरे करके मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी हैं और अगर आप इस वीडियो में नए हैं या आप फर्स्ट टाइम मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सब लोगों को मैं बताना चाहूँगी कि इस हंड्रेड डेज चैलेंज में हमने वो छोटे छोटे पॉइंट्स भी क्लियर किए हैं तो अगर आपको ये पूरा कंप्लीट कोर्स करना है तो डे वन से आपको ये पूरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी हर वीडियो में आपको कुछ नया ही सीखने को मिलेगा इस वीडियो में आपको ट्विस्ट टॉप ओवरलैप टॉप के बारे में बता रही थी ये हमारा पार्ट टू है पार्ट वन हमने मेजरमेंट लिया था आज हम ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको ड्राफ्टिंग कैसे कटिंग करना है ट्विस्ट ब्लाउज ट्विस्ट टॉप और ओवरलैप ब्लाउज ओवरलैप टॉप ये कुछ भी मतलब नाम आप इसका रख सकते हैं बनाने का मेथड सेम है जैसा हम आज आपको बता रहे हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले हमें ट्विस्ट टॉप की बैक पार्ट कटिंग करनी है तो देखो जितना भी आपको लेंथ रखना है जैसे हम यहाँ पर लेंथ ले रहे हैं सिक्सटीन और सेवनटीन अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप अपने टॉप की लेंथ कितनी भी रख सकते हो ऐसे हमें थोड़ा लंबा ही चाहिए तो हम यहाँ पे सेवनटीन इंच पे मार्क कर रहे हैं उसके बाद हम यहाँ पे शोल्डर डाउन करेंगे जितना भी आपको शोल्डर डाउन करना है आप कर सकते हैं मैं यहाँ पर वन पॉइंट फाइव कर रही हूँ उसके बाद आपको लेना है आरमोल मैंने यहाँ पर आरमोल लिया सेवन इंच स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऑन एवरी पॉइंट स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ट्रैंगल वाला शेपर क्योंकि इस शेपर की हेल्प से हमारी स्ट्रेट लाइन की डायरेक्शन एकदम सीधी आती है उसके बाद हम नॉर्मल शोल्डर लेंगे मेज़रमेंट कैसे लेना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था कल लिंक डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे अब देखो मेरा यहाँ पर शोल्डर आ रहा है थर्टीन पॉइंट फाइव तो यहाँ पर आएगा हमारा सिक्स पॉइंट सेवन फाइव आपको अगर बैक में पैक नेक बनाना है तो स्लीव्स अटैच करने के लिए आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेना होगा तो हम यहाँ पर ले रहे हैं सेवन इंच उसके बाद आपको शोल्डर डाउन करना है यहाँ पर हमने सेवन लिया है तो नीचे वाले पार्ट में भी आपको सेवन ही लेना है और यहाँ पर आपका बॉस साइज़ डिवाइडेड बाय फोर प्लस हाफ इंच यानी कि जो भी आप लूजिंग यहाँ पर दे रहे हैं मैंने यहाँ पर हाफ इंच लूजिंग दिया अब हम इसको स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे नीचे वेस्ट पॉइंट पर आपका जो भी वेस्ट रेडी है मेरा वेस्ट हम यहाँ पर रख रहे हैं थर्टी के अराउंड तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे लेंगे सेवन पॉइंट फाइव यानी कि थर्टी डिवाइडेड बाय फोर आपका वेस्ट जो भी है उसको आप डिवाइड करेंगे फोर से और जो भी आपका आएगा वो आप यहाँ पे ले लेंगे और बैक में हम यहाँ पे प्लेट भी डालते हैं तो प्लेट के लिए आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है तो यहाँ पर हम वन इंच का प्लेट डाल रहे हैं और दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिला रहे हैं उसके बाद आपको जो भी मार्जिन लेना है वो आप मार्जिन ले लेंगे फ्रेंच कर्व स्केल से आपको यहाँ पे आरमोल का शेप बनाना है तो यहाँ से आपको आरमोल की शेप बना देंगे अब आपको यहाँ पे वेस्ट पॉइंट पर सेंटर पॉइंट लेना है बैक प्लेट के लिए तो हम यहाँ पे 8.5 इंच का सेंटर लेंगे हमारा आ जाएगा यहाँ पे 4.25 पॉइंट यहाँ पर आपको लेना है देखो ऊपर वाली लाइन पे ले लेंगे या तो एपेक्स पॉइंट तो हमारा 10.5 है स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे भी आपको सेम लेना है जो आपने यहाँ पे निशान लगाया है 4.25 दोनों पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे अब आपने वन इंच यहाँ पर प्लेट के लिए लिया है तो अब हम यहाँ पे वन हाफ हाफ इंच लेंगे दोनों साइड और इसको ऐसे मिला देंगे बाकी मार्जिन आपको नीचे रखना है स्ट्रेट इसमें हम मार्जिन नहीं रख रहे हैं और अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे एक्चुअली मैं ये बैक ब्लैक फैब्रिक इसलिए ले रही हूँ क्योंकि मेरा फैब्रिक वाइट कलर में है मार्किंग आपको अच्छे से दिखेगा नहीं तो हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग अदर कलर की कर रहे हैं ताकि आपको निशान प्रॉपर दिखे तो अब हम यहाँ पे बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं देखो ड्राफ्टिंग है ये मैंने आपको मार्जिन लेकर दिखाया है लेकिन ड्राफ्टिंग में कभी भी आपको मार्जिन लेना नहीं होता हम यहाँ पे निशान के ऊपर से इसको कटिंग कर देंगे <coughs> अब हमें फ्रंट वाला पार्ट कट करना है देखो फ्रंट वाले पार्ट के लिए जो लाइनिंग है उसको ऐसे ओपन कर लेंगे और जब हमारा टॉप ट्विस्ट ट्विस्ट टॉप ट्विस्ट ब्लाउज जो भी हम बोलते हैं <coughs> आपको क्या करना है उसमें स्ट्रिप अटैच करना है तो बैक में स्ट्रिप भी हम अलग से अटैच नहीं करेंगे स्ट्रिप लेंथ ले लेंगे तो यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कम से कम फोर्टी इंच एक्स्ट्रा लेना है तो मतलब स्ट्रिप का जो आपका लेंथ रहेगा वो आपके साइज के अकॉर्डिंग होना चाहिए जैसे आप ट्विस्ट ब्लाउज बना रहे हैं या ट्विस्ट टॉप बना रहे हैं तो आपने जैसे बैक पार्ट की कटिंग कर ली है ये आपका बैक पार्ट है तो इसी पार्ट को रख के आपको अपना जो स्ट्रिप है वो करना है या तो आपको नॉर्मल कटिंग कर लेना है नॉर्मल कटिंग करने के बाद आपको स्ट्रिप को अलग से अटैच करना है वो आपका आसान तरीका है तो आपको अगर जॉइंट नहीं दिखाना है तो आप उसको वैसे भी कटिंग कर सकते हो वैसे अगर आपको अलग से स्ट्रिप लगाना है उसमें फैब्रिक आपका बहुत कम खर्च होगा बस आपका जॉइंट आपको अलग से दिखेगा इसको देखो ऐसे फोल्ड कर लेंगे बैक पार्ट कटिंग करने के बाद फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे अभी देखो फ्रंट वाला पार्ट भी आपको बिल्कुल इसी तरह से कटिंग करना है ड्राफ्टिंग कटिंग करके करोगे तो फैब्रिक अच्छे से आपका कटिंग भी हो जाएगा और आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगा वापस से आपको लेंथ लेना है स्ट्रेट लाइन शोल्डर डाउन यहाँ पे आपको अपेक्स पॉइंट भी लेना है लेकिन अभी हम पहले लेंथ और शोल्डर डाउन वाली मार्किंग करेंगे क्योंकि शोल्डर डाउन करने के बाद आपको एपेक्स पॉइंट लेना है वरना आपको कंफ्यूजन हो जाएगा नीचे वाली लाइन पर आप शोल्डर लेंगे जो हमने सेवन इंच लिया है उसके बाद आपको यहाँ पे शोल्डर डाउन करना है शोल्डर डाउन करने के बाद हाफ इंच नीचे से आपको एपेक्स पॉइंट लेना है क्योंकि इतना तो आपका शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा तो अब आपको लेना है एपेक्स पॉइंट टेन पॉइंट फाइव तो टेन पॉइंट फाइव इंच पे स्ट्रेट लाइन बना देंगे यहाँ पे एक्चुअली आपको एक प्लेट डालनी होती है अब आपको लेना है आरमोल आरमोल मैंने सेवन लिया था बैक में आरमोल कैसे निकालते हैं उसका मैंने परफेक्टली आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है अलग वीडियो में कि आरमोल कैसे निकालते हैं क्या फॉर्मूला होता है वो सारी चीज़ें आपको हमारे कोर्स में मिल जाएंगी जो हमने यूट्यूब पर हंड्रेड डेज चैलेंज बनाया हुआ है अब देखो यहाँ पे हमारा अगर आर्मोल में प्लेट आएगा तो जो भी आपने यहाँ पे बैक में लिया है जैसे हमने बैक में नाइन पॉइंट फाइव लिया था तो नाइन पॉइंट फाइव यहाँ पे लेंगे प्लस जितना आप प्लेट डाल रहे हो अगर आप आरमोल में वन इंच का प्लेट डाल रहे हो तो यहाँ पे वन इंच आप एड कर देंगे आते हैं हम नीचे वाले पार्ट पे हमारा जो वेस्ट है वो सेवन पॉइंट फाइव है लेकिन बैक में वन इंच का प्लेट डालते हैं तो लेकिन फ्रंट में टू इंच का प्लेट डालते हैं तो यहाँ पर टू इंच ऐड करेंगे स्ट्रेट लाइन उसके बाद आपको मार्जिन लेना है लेकिन मार्जिन हम यहाँ पे नहीं लेंगे फ्रेंच स्केल से आपको यहाँ पे शेप बनाना है अभी देखो ये वाली तो नॉर्मल हमारी शेप है पहले हमें यहाँ पे आर्मोल में प्लेट डालना है तो देखो प्लेट के लिए हम यहाँ पे ले रहे हैं फोर इंच फोर इंच यहाँ पे लेंगे स्ट्रेट लाइन बनाएंगे दोनों साइड में आपको वन वन इंच लेना है क्योंकि हमारी जो प्लेट है वो टोटल टू इंच का है दोनों पॉइंट को एपेक्स पॉइंट तक मिला देंगे उसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको नीचे रखेंगे वैसे हम एक्स्ट्रा मार्जिन यहाँ पे नहीं ले रहे हैं हम फैब्रिक में ही लेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे आर्मोल वाला प्लेट लेना है तो आर्मोल वाली प्लेट के लिए जो यहाँ पर ये पॉइंट बना होता है ना इसको इससे ऐसे मिलाना है आपको गैप के लिए आपको लेना है एक प्लेट से दूसरी प्लेट का गैप टू इंच दोनों साइड से आपको हाफ इंच लेना है क्योंकि हमने यहाँ पे इंच एक्स्ट्रा लिया है अब जो हमने यहाँ पे वन इंच एक्स्ट्रा लिया है ये वन इंच हमारा यहाँ पे आ गया है ऐसे ही आपको वन इंच नीचे से मार्क करना है यहाँ पे और वन इंच नीचे से करेंगे तो ये लाइन आपकी ऐसे बन जाएगी इसमें आपको अपना आर्मोल ऐसे बनाना है देखो यहाँ पर जब आप आर्मोल बनाते हैं ना तो वैसे ही रेंडमली आप ऐसे कटिंग कर सकते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है आपका जो बैक वाला पार्ट है यहां से यहां तक आपको ऐसे नाप लेना है जितना भी लेंथ आपका ये आ रहा है उतनी लेंथ पे आपको ये वाले पार्ट को कट करना है ये मैं आपको आर्मोल को कटिंग करने का आइडिया दे रही हूँ इससे ना आर्मोल आपका छोटा बड़ा नहीं होगा कभी भी बाकी एक्स्ट्रा फैब्रिक को अलग रख देंगे अब हमारा जो आर्मोल है उसको आर्मोल वाला प्लेट उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे और ऊपर की साइड फोल्ड कर देंगे हल्की सी प्रेस करेंगे हल्का जब हम प्रेस मारेंगे ना तो अपने आप ही ये प्लेट सेट हो जाती है करने की ज़रूरत नहीं होती उसके बाद आपको यहाँ पे इस पूरी लाइन का सेंटर लेना है। देखो सेवन इंच का सेंटर होगा थ्री पॉइंट फाइव फ्रंट क्रॉस लेंगे यहाँ से जो भी आपका फ्रंट क्रॉस है जैसे मेरा सिक्स पॉइंट फाइव है तो मैं यहाँ पे सिक्स पॉइंट फाइव पे ले रही हूँ और इसको ऐसे मिला उसके बाद आप फ्रंट फ्रेंच का स्केल लेंगे और इस स्केल को ऐसे मिला दें देखो आपकी शेप आरमोल की बिल्कुल परफेक्ट आई है परफेक्ट ही बनेगी और इसको हम ऐसे कटिंग कर लेंगे इससे आपका आरमोल का मार्किंग भी अच्छे से आएगा आपका आरमोल खराब भी नहीं होगा देखो ऐसे आपको यहाँ पे फ्रंट वाले पार्ट का आरमोल कट करना है अब हम यहाँ पे ड्राफ्टिंग कटिंग कर रहे हैं तो इसको प्रॉपर कटिंग करना भी आपको बता देती हूँ कि इस ड्राफ्टिंग को रख के हम मेन फैब्रिक पे कटिंग करेंगे तो प्रॉपर हमें इसका मेजरमेंट लेना है यहाँ से आपको करीब करीब टू इंच ऐसे छोड़ देना है और इस पॉइंट से जितना भी शोल्डर आपको यहां पे रखना है इस पॉइंट तक आप यहाँ पे एक शेप बनाएंगे शेप ड्रॉ करना है आपको या तो आप उसको लैग कर स्केल से कर लीजिए या फिर आप उसको नॉर्मल अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए देखो यहाँ पे आपको नेक लेना है अपना और इसको इस तरह से कटिंग कर तो अब मुझे यहाँ पे ये वाली लाइन को कटिंग करना है तो ये मेरा ड्राफ्टिंग हो गया है अब अगर मैं इस ड्राफ्टिंग को रख कर अपना मेन फैब्रिक कटिंग करूँगी तो मेरा फैब्रिक बिल्कुल परफेक्टली कटिंग होगा जॉइंट भी नहीं आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसका स्टिचिंग सीखेंगे ये हमारा फ्रंट पार्ट का ड्राफ्टिंग है और ये हमारा बैक पार्ट का ड्राफ्टिंग है तो दोनों ड्राफ्टिंग का यूज़ करके आपको मेन फैब्रिक कैसे कटिंग करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा आपको आज की इस वीडियो से कैसे आपको टॉप की कटिंग करना है ड्राफ्टिंग कैसे कटिंग करना है नेक्स्ट वीडियो में हम आपको सिखाएंगे मेन फैब्रिक को कैसे कटिंग करते हैं ड्राफ्टिंग का कैसे यूज करते हैं स्टेप बाय स्टेप हम इस टॉप को बनाना सीखेंगे फाइनल लुक तक हम इस टॉप में जाने वाले हैं हम इसको पूरा फाइनल लुक तक आपको दिखाने वाले हैं और ऐसे ही हम डे बाई डे आपको कुछ ना कुछ नया सिखाते रहेंगे आप जल्दी से हमें कमेंट करके बता दीजिए कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा उसके बाद आपको और क्या क्या टॉपिक सीखने हैं आप वो भी हमें कमेंट करके बताइए आजकल कर आप कमेंट नहीं कर रहे हैं कमेंट करते हैं तो एनर्जी बूस्ट हो जाती है एनर्जी डबल हो जाती है और वीडियो बनाने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि मैं आपके सभी कमेंट्स का रिप्लाई भी देती हूँ आपके सारे डाउट्स क्लियर करती हूँ आपके वीडियो से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने डाउट्स कमेंट्स में कम्प्लीट करेंगे आपको जो भी अपना वर्क दिखाना है इंस्टाग्राम आईडी पर जाइए इंस्टाग्राम आईडी में आप इनबॉक्स में मुझे वो सारी चीज़ें शेयर कर सकते हैं हमारा ब्रॉडकास्ट है इंस्टाग्राम पे वहाँ पे आप अपना आ, मतलब आ, हमारी जो भी डिटेल्स हैं वहाँ पे ले सकते हैं और इंस्टाग्राम आई पर जो इनबॉक्स है मैसेज में आप मुझे अपना वर्क सेंड कीजिए ताकि मुझे भी लगे कि हाँ यूट्यूब से बहुत कुछ सीखा जा रहा है और अगर आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं फिलहाल हमने वन ईयर कोर्स कम्प्लीट uh, करने का uh, मतलब डिसाइड किया है और हमारा ये कोर्स लॉन्च भी होने वाला है बहुत जल्द आपके सामने uh, हम लेकर आने वाले हैं क्या क्या टॉपिक कवर कराने वाले हैं टॉप के कॉलेजेस में जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स हम अपने इस कोर्स में कंप्लीट कराएंगे इलुस्ट्रेशन भी कराएंगे इस बार आपको एम्ब्रॉयडरी भी पूरा डिटेल्स में सिखाया जा रहा है फैशन डिजाइनिंग का पूरा कोर्स हम कराने वाले हैं ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए हैं इन नंबर पे कॉल और कांटेक्ट करके आप डिटेल्स भी ले सकते हैं आप अपनी सीट भी बुक करा सकते हैं तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय